सराब चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल, में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, जब बहुत उपद्रव मचाया तब माता जगत जननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छिड़क दो, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अब इनमें कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवन घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ, कुंदकेश्वर का नाम। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में, किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर कर, और साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ, जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके, शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटेगा सब काम। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अपने नौकरी के लिए, प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आप
आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा। अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूर्वजों के लिए इन इन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रख कर आ जाए, अपनी कामना करकर सुख का अनुभव हो, पितरों को शांति। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीन पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृ तुल्य। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृ तुल्य। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृ लोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा यह आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बेलपत्र का अगला वर्णन किया। तीन पशु कुत्ता गाय और हाथी ये पितरों के तुल्य हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का व्रत गौ माता के लिए, तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त हो। गाय और स्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि स्वान पितरों को अपना अपना हक प्रदान कर देते हैं। स्वान भक्ता नहीं है, चुकाता था। फिर तीन जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य है, मछली, कछुआ और नाह। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है, कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य माने। इन तीन पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, तीन पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले आ
आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और स्वान को भान हो जाता। क्यों? क्योंकि ये यम लोक में जहाँ यमराज निवास करते हैं, स्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है। अटारी पर कौवा कहाँ बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे साथ साथ में बढ़ना। तीन व्रत पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो क्यों न फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुण के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। शिव महापुराण का भगवान आनंद की राशि, तो तीन व्रत, तीन पशु, तीन पक्षी और तीन जलचर ऐसे हैं जिनको क्रमानुसार